उत्तरकाशी जनपद में इन दिनों वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है, जिसमें मरीज को तेज बुखार, खांसी और प्लेटलेट गिरने की शिकायतें हो रही हैं। जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुवेक सिंह का कहना है कि जिला अस्पताल में प्रतिदिन 100 से ऊपर बुखार के पीड़ित मरीज आ रहे हैं, जिनका कोविड टेस्ट के साथ साथ अन्य टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इस बुखार में मरीज के प्लेटलेट्स एकदम से डाउन हो रहे हैं, जिससे कि कमजोरी आदि की समस्या पैदा हो रही है। साथ ही डॉक्टर सुवेक सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि वह बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि समय पर बुखार पर काबू पाया जा सके। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। क्या कंडीशन है सर? बहुत ज्यादा अभी जो ज्यादातर मेरी ओपीडी में भी और जो वार्ड में मरीज बढ़ते हैं उनमें बुखार के पेशेंट ज्यादा है, तो जैसे जब हम एहतियातन तो आज सबको कोरोना की टेस्टिंग कर ही रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा है यहाँ पे स्क्रब टाइफस जो है कई पेशेंट में कुछ भी हुई है, स्क्रब टाइफस चल रहा है और वायरल बुखार तो चल ही रहा है, जिसमें पेशेंट कई तरीके की समस्याएं लेके आ रहे हैं, जिसमें मैंने ये भी देखा कि प्लेटलेट्स कम होना और शॉक में होना ये मोस्ट कॉमन हो रहा है पेशेंट्स। हमें और टेस्टिंग की सुविधा बढ़ानी चाहिए, यहाँ पे अलग अलग टेस्ट अवेलेबल करवाने चाहिए, जैसे जैपनीज इनकेफेलाइटिस है और स्क्रब टाइफस हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए, जो कि बाहर ना हो, ये सब होना चाहिए। सर जो ये मतलब नॉर्मल बुखार है या कोरोना के लक्षण है? नहीं देखिए, कोरोना के लक्षण ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोरोना है कि नहीं है, जब तक हम टेस्टिंग नहीं कर सकते ना, कोरोना में भी इसी तरीके के लक्षण आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखे जा रहे हैं हमने जब जितने भी फीवर वाले पेशेंट आते हैं सबका टेस्ट करा, मेरे पास ओपीडी में आए या डॉक्टर पोखरियाल या डॉक्टर धर्मशक्तु के पास हैं, हम सब लोग टेस्ट कराते हैं, इवन वार्ड में भर्ती होने वाले मरीज हैं उनमें पहले टेस्ट होता है, टेस्टिंग के बाद ही एडमिशन होता है, जिसमें ये देखा जाता है जिनके टेस्ट ज़्यादातर नेगेटिव ही आ रहे हैं, सभी लोगों के ट्रू नॉट भी नेगेटिव आ रहे हैं, तो ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि वायरल फीवर है। अब ये किस तरीके का वायरल फीवर है इसके लिए तो शोध का ही विषय है, बहुत ज़्यादा ये इस समय फैला हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो फीवर भी शॉक करता है।